और निपिंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निपिंदर, अब जो ये मुलाकात होने वाली है, समय मांगा जाएगा सोनिया गांधी से, जो भी कांग्रेस सांसद हैं, कहीं ना कहीं सिद्धू को लेकर काफी नाराजगी है पार्टी के अंदर। ये तस्वीर जो अभी तक हमारे सामने आई, इससे यही हम क्या संकेत, यही इशारा कर रही है? देखिए, साफ तौर पर कहानी ये है कि ये सभी नेता वो लोग हैं जिन्हें लगता था कि शायद अब हमारा नंबर आएगा, शायद अब हमारा नंबर आएगा। जब 2017 में पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बने, तो उस वक्त चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कह दिया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। तो कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव के पर नज़र थी सबकी, और सभी इन बड़े नेताओं को लगता था कि शायद अब कैप्टन अमरिंदर सिंह जाएंगे तो हमारा नंबर आएगा, हम लाइन में हैं, हम कतार में हैं। और दूसरा, कैप्टन अमरिंदर सिंह की जिस तरह से पहले लोकप्रियता थी, जिस तरह से पहले विधायक और उनके जो जितने भी नेता थे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना नेता मानते थे, पंजाब में कांग्रेस का मतलब था कैप्टन, ऐसा माहौल पंजाब में पैदा हो गया था। लेकिन इस सत्ता में, इस टर्म में उनके ज़्यादातर विधायक, उनके मंत्री खुद उनसे नाराज नजर आए और लगातार कहते रहे कि जो वायदे किए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वो पूरे नहीं हुए, तो लगातार ऐसा माहौल पैदा हो रहा था। और दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू, वो दूसरा ग्रुप लेकर के सामने डट गए थे, कैबिनेट से बाहर चले गए थे, उन्होंने कैबिनेट का कैबिनेट मिनिस्टर का जो पोस्ट थी उसे भी एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो नवजोत सिंह सिद्धू अपनी अलग से एक टीम बनाते रहे। नवजोत सिंह सिद्धू देखिए प्रियंका गांधी के नज़दीक हैं, राहुल गांधी के नज़दीक हैं, और पंजाब में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो विधायक या मंत्री खड़े हुए तो वो नवजोत सिंह सिद्धू के पाले में जा डटे। और प्रताप सिंह बाजवा पहले उसी पाले का हिस्सा थे, उसी टीम का हिस्सा थे, लेकिन जैसे ही उस टीम में नवजोत सिंह सिद्धू को लीड रोल में देखा गया तो प्रताप सिंह बाजवा को शायद कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि अब तो नवजोत सिंह सिद्धू अगर सामने आएंगे, अगर उनकी अध्यक्षता में अगर पंजाब में चुनाव लड़ा जाएगा तो फिर हम तो कहीं नजर आएंगे नहीं। तो शायद उन्हें आज इस हालात में कैप्टन अमरिंदर सिंह से ज्यादा खतरनाक नवजोत सिंह सिद्धू लगे, इसलिए वो आज कैप्टन अमरिंदर सिंह के पाले में नजर आने लगे, जिनके हमेशा वो खिलाफ बोलते रहे हैं। 4.5 साल की सत्ता के दौरान अनेक चिट्ठियां उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को लिखी, कैप्टन अमरिंदर सिंह के काम पर उन्होंने सवाल उठाए, पंजाब में सत्ता जो अब तक जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं हुए, ऐसे इल्जाम लगाते रहे हैं प्रताप सिंह बाजवा। लेकिन कल एकदम से तस्वीर बदली हुई नजर आई, प्रताप सिंह बाजवा दूसरे खेमे से उठकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे में नजर आए, और आज की मीटिंग काफ़ी कुछ तय करेगी क्या जो पंजाब के सांसद है कांग्रेस के, वो क्या निर्णय लेते हैं, सोनिया गांधी से मिलने की बात करते हैं, सोनिया गांधी उन्हें टाइम देती है। बहुत शुक्रिया निपिंदर, आप तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। पंजाब कांग्रेस में जारी हलचल के बीच कैप्टन और सिद्धू का अलग अलग नेताओं से मुलाकात का सिलसिला जारी है, और करीब 4.5 साल बाद कैप्टन की कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा से मिले। ये मुलाकात कैप्टन अमरिंदर के फार्म हाउस पर हुई है। करीब 4 घंटे तक चली मुलाकात के दौरान पंजाब विधानसभा के स्पीकर राणा केपी सिंह और पंजाब सरकार में मंत्री गुरमीत सिंह सोढ़ी भी शामिल रहे। कैप्टन और बाजवा की मुलाकात की तस्वीर को कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी ट्वीट के जरिए साझा किया और लिखा कि बाजवा और अमरिंदर सिंह को एक साथ देखकर खुशी हुई और उम्मीद जताई कि राज्यसभा सांसद और मुख्यमंत्री मिलकर एक मजबूत टीम तैयार करेंगे। नीरज जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नीरज, मजबूत टीम तैयार करेंगे मनीष तिवारी ने लिखा है, क्या मजबूत टीम तैयार हो पाएगी इस मुलाकात के बाद? देखिए, ये मुलाकात मजबूत टीम के लिए नहीं है बल्कि सिद्धू के खिलाफ है। मजबूत टीम की बात जरूर मनीष तिवारी ने की है। अगर आप वो मजबूत टीम जिस ओर इशारा करें, यानी प्रताप सिंह बाजवा को अध्यक्ष बना दिया जाए और कैप्टन के नेतृत्व में तो चुनाव लड़ा ही जाएगा, मुख्यमंत्री के वो उम्मीदवार हैं ही, क्योंकि मौजूदा में भी सीएम के पद पे वही है। जो जिस टीम की बात कर रहे हैं वो टीम तभी बनेगी जब सिद्धू को अध्यक्ष ना बनाया जाए। उसके लिए फिर से कवायद शुरू करनी होगी कि क्या प्रताप सिंह बाजवा को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि पार्टी आला कमान प्रियंका गांधी नवजोत सिंह सिद्धू के पीछे खड़ी हैं। उन्होंने ही नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब की सियासत में यहां तक पहुंचाया है कि आज की स्थिति में नवजोत सिंह सिद्धू सीधे का सीधे मुकाबला कर रहे हैं कैप्टन से। तो कैप्टन का जो कद है उस पे तो बिल्कुल पार्टी के अंदर भी थोड़ी नाराजगी बहुत जरूर है, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि पिछले 5 साल में चाहे पार्टी विधायकों की बात करें या कुछ पार्टी नेताओं की बात करें या लोगों की भी बात करें, सरकार से और कैप्टन से नाराजगी जरूर है। एंटी इनकम्बेंसी सरकार से होता है, 5 साल की सरकार आप
चलाते हैं तो पार्टी के अंदर भी और पार्टी से बाहर आम लोगों में भी। लेकिन कैप्टन और उनके समर्थकों का यह मानना है कि जिस तरीके से सिद्धू को अध्यक्ष बनाने की कवायद है उसका वो विरोध करें, जिस तरह से सिद्धू ने डेरोगेटरी ट्वीट्स किए थे कैप्टन के खिलाफ उससे वो नाराज हैं। इसके अलावा कैप्टन का यह भी कहना है कि पार्टी आला कमान का फैसला तो उन्हें मंजूर होगा लेकिन वो उस फैसले में शामिल नहीं होंगे। यानी ये साफ है कि कैप्टन के जो समर्थक आज जो सांसद जुटेंगे उसमें यही मांग रखी जाएगी कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से कि आप सिद्धू को अध्यक्ष ना बनाएं। बिल्कुल, निपंदर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निपंदर, जब से ये पूरी हलचल मची है पंजाब कांग्रेस में तब से धीरे धीरे करके ये पूरा मुद्दा जो है सिद्धू वर्सेज अमरिंदर सिंह हो गया है। अब आपको क्या लगता है किसका पलड़ा ज्यादा भारी होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है? देखिए, ये बड़ा कठिन सवाल आपने पूछा है कि किसका पलड़ा भारी, क्योंकि दिन में अलग अलग मीटिंग होती हैं। एक मीटिंग नवजोत सिंह सिद्धू की होती है, दूसरी मीटिंग कैप्टन अमरिंदर सिंह की होती है। एक बार माहौल ऐसा पैदा ऐसा लगने लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को आज अनाउंस कर देंगे, कुछ ही देर बाद अनाउंस कर देंगे, लेकिन दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह का कोई ना कोई बयान आता है, उनकी कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाती है, तो पूरे मामले को एक बार फिर से ठहराव आ जाता है। तो ऐसा माहौल पंजाब में इस वक्त पंजाब की सियासत में चल रहा है। जैसे तीन दिन पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू, जैसे ही दिल्ली से एक संकेत मिले कि नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बना दिया जाएगा, सोशल मीडिया पर उन्हें बधाइयां देने वाले का तांता लगने लगा और उनकी मीटिंगें भी शुरू हो गई। तो उसके बाद आप कल का माहौल देख लीजिए, किस तरह नवजोत सिंह सिद्धू सुनील जाखड़ से मिले, बाकी कैबिनेट मिनिस्टर से मिले, उन लोगों से मिले जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी हैं, चाहे वो बलबीर सिंह सिद्धू हों, पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के बिल्कुल खास माने जाते हैं। उनके घर पर पहुँच गए नवजोत सिंह सिद्धू ये दिखाने के लिए कि मैं सबको एक साथ लेकर चलना चाहता हूँ। गुरप्रीत सिंह कांगड़ हैं, वो साफ तौर पर कह चुके कि मैं कैप्टन के साथ हूँ, कैप्टन के साथ ही रहूँगा। उनके घर भी वो पहुँच जाते हैं। लाल सिंह बड़े सीनियर नेता है, उनके घर पर पहुँच जाते हैं। हालांकि सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर ऐसे शख्स हैं जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आज भी सिद्धू एक बार फिर कांग्रेस विधायकों से मुलाकात करने घर से निकल चुके हैं। अब से कुछ देर पहले सिद्धू पटियाला में कांग्रेस विधायक मदन लाल के घर पहुंचे। अध्यक्ष बनाए जाने की खबरों के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने एक दिन पहले पंजाब कांग्रेस के करीब 30 विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात की। सिद्धू से मुलाकात के बाद परगट सिंह ने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान मिलने की उम्मीद जताई। अच्छी बात है, हमारी पार्टी के एमएलए हैं तो ऐसी कोई तय है कि सिद्धू साहब बनेंगे? और यार, ये तो बेसिकली हाई कमांड का प्रेरोगेटिव है, हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है। क्या लगता है आपको कि सब राजी हैं, सब जो जिस तरह से बातें आ रही हैं? मेरे ख्याल माहौल तो अच्छा है, आपको भी, क्योंकि आपको फीडबैक ज्यादा आती है, हमसे भी ज्यादा आती है। लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कैप्टन साहब की लोबी से थोड़ा सा टाइम लग रहा है? नहीं, पता नहीं, ये तो कैप्टन साहब ही बता सकते हैं। लोग सुनना चाहते हैं भी कब तक हो जाएगा। यार देखो, मैं तो कोई हाई कमांड नहीं हूँ, मैं तो एक एमएलए हूँ और एमएलए की हैसियत से मैं आपके तो दोस्त हैं ना आप? नहीं, दोस्त है मैं। देखो, इनको भी नहीं पता है कि कब जो है, लेकिन कांग्रेस रेडी है इसके लिए कि आए। देखो, जो माहौल बना है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि नवजोत जी आएंगे, लग रहा है सर। कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत सत्कारयोग ने, सीनियर ने साडे, साडे माँ प्यो ने सारे ने, फिर महाराजा पटियाला भी ने। महाराजे ने बहुत कुछ लोग कह देंदे सी, इन्हां दा दिल वड्डा होना चाहिए, महाराजे दा दिल वड्डा होना चाहिए। एक भुपिंदर सिंह दे परिवार चों आ, ये वड्डे वड्डे इस रियासत दा पूरे दुनिया च नायक आ, पटियाला रियासत दा, इहदा बहुत वड्डा दिल आ, इहनू गले लाना चाहिए। ये माफिया मुफिया तो छोटी गल आ, जदों बंदा घर चल के आ जाए वो सारा कुछ माफ ही होंदा।